बड़ा इंटरेस्टिंग वो वीडियो है, बड़े दिन से उस पर ये मुजाहरे भी हुए हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब जो है जी। ये वो जकूटा जिन है जो मैं कहते रहता हूँ, लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। आप इनको जकूटे क्यों कहते हैं? जकूटा साहब बड़े बीमार है, उनकी भी अपील कर दीजिएगा आखिर में। उन बेचारा वही गुड मैन, उस पर अल्लाह उनको नसीहत दे, वो अच्छे वाले। इनके रवैये देखें जरा कि खुद ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद महमूद साहब जी, ये मसूफ यहाँ पे इसके नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के ये सरबराह लगे जो 80-82 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, और उसमें इनको बड़ी इंतहाई वो क्या कहते हैं इनको, एक अंग्रेजी का अच्छा लफ्ज़ है, अनसरमोनियस, वहाँ से रुख्सत किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने इनकी रवानगी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें फरमाया था कि जनाब कि इसमें बहुत बड़ी करप्शन हुई है और नैब को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। इनको उठा के उन्होंने अपने दिन वो कर दिया था। शहबाज शरीफ साहब भी आपको पता है अपने पाँव के नीचे देते रहते हैं अफसरान को, जैसे वही वाले पाँव जलने लगे तो शहबाज शरीफ साहब भी दो चार अफसर रखे हुए हैं जिनको पाँव के नीचे दे दें। ये प्रोजेक्ट उन शहबाज शरीफ साहब का था ये नंदीपुर, और नंदीपुर में से उन्होंने निकाला मोहम्मद महमूद साहब को, और जब उस पर तनकीद बढ़ने लगी तो मोहम्मद महमूद साहब को बरतरफ करके सस्पेंड ट्रांसफर करके उन्होंने भेज दिया। हम सब खुश हो गए कि इंसाफ हो गया। पता ये चला कुछ दिनों बाद वो सेक्रेटरी इरिगेशन लगे हुए हैं और वहाँ पर वो लोगों को कान पकड़वा रहे हैं। आप जरा इनकी इनका इनका लेवल देखें, इसका सिविल ब्यूरोक्रेसी का। आप अपने अल्फाज में लेवल बता रहे हैं, लोगों को दिखाना दें, जरा दिखाएं, जरा ये देखें कौन देखे, जरा एक बंदे का खौफ देखें मैं से, जरा बिल्कुल देखे, ये वीडियो अब है, इसमें दिखाते हैं कि किस तरह से अफसरान के साथ वो क्या रवैया रख रहे हैं। ये ऑडियो इसकी मौजूद है, लेकिन क्लासेस आप देखने वाले, ये देखिए सारे अफसरान बैठे हुए इनको खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल हुआ ये है, थोड़ा सा इसकी ऑडियो भी हम इसकी थी ढूंढ लेंगे बाद में किसी वक्त। हुआ ये है कि जब सेक्रेटरी साहब इरिगेशन ये जो हाँ से बरतरफ होके और बड़े उस डिसग्रेस होकर जिनको हटाया गया था नंदीपुर से, बिल्कुल वो वहां पे गए हैं, एक आदमी को सामने बैठा था कि वो किसी को ऊंगा की होगी, उन्होंने सबसे कान पकड़वाए हैं कि खड़े हो जाएं, कान पकड़े और दाद देनी चाहिए यहाँ पे जो सैकड़ों बेचारे वो छोटे जकूटे हैं उनको देखे। अच्छा किसी एक में भी जुरत नहीं थी वो डिफाई करता सेक्रेटरी को कि हु द हेल यू आर, कि आप हमें कह रहे कान पकड़े, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आप किस कानून ला के तहत इन लोगों से कान पकड़वा सकते हैं, और खुद जो आपकी इज्जत अफजाई शहबाज शरीफ ने की थी वहां पे आप, अच्छा उससे ज्यादा वो तो एक रूड एरोगेंस जो पाकिस्तान का जकूटा जिन्हों का एक स्टाइल है कि हम दुनिया के करीम लोग हैं, हमसे तो बेहतर, एक और भी जकूटे की हमने कहानी सुनानी है जो उन्होंने मोटरवे पे हरकत की, शहर तारण साहब ने NHA के चेयरमैन ने, उस पर भी आएंगे। इनका मैं इतना बताना चाहता हूँ, मुझे उससे मोहम्मद महमूद से ज्यादा उन गुलामों पे है जो सामने बैठे हुए हैं। एक एक सेक्रेटरी आता है, आर्डर करता है, सारे खड़े होते हैं और कान पकड़ते हैं वहां पे। वैसे उन लोगों के लिए भी एक आमिर मतीन सब सैल्यूट कर दें जो खड़े हुए हैं, किसी एक में जुरत नहीं हुई कि एहतजाज करते सेक्रेटरी साहब ये किस तरह का आप आर्डर दे रहे हैं, आपको किसने ये इख्तियार दिया है, इतना खौफ देखें, कितना खौफ रखा हुआ इन लोगों ने इन पे। अच्छा यही अफसरान अपने निचला जो स्टाफ है ये उन पे खौफ रखते हैं, उनके साथ फिरौनियत होती होगी। एक मुझे एक उसमें सैडिस्टिक खुशी भी हुई है कि ये लोग जो दूसरों के साथ करते हैं, अल्लाह के फजल से एक सेक्रेटरी इनको कान पकड़वाए हैं, इनके साथ भी ठीक हो रहा है जो आप बड़े मुजहरे कर रहे हैं। उस वक्त आप डिफाई कर देते कि नहीं करते सर।